हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सांगा की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, क्या सांगा फ्रॉम एनएक्सटी आने वाले हैं स्मैकडाउन पर, और क्या उनका सामना हो सकता है रोमन रेंज के साथ। प्लस हम बात करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के एपिक रिटर्न के बारे में, जो होने वाला है बहुत जल्द। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बाजू को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की बड़ी अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर ने अपना शॉकिंग रिटर्न किया था स्मैकडाउन में, और अटैक किया था रोमन रेंज एंड द उसोस को। और ऐसे ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज की मैच फिक्स हो गई है समर स्लैम के लिए फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ये होगी अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर की बात करें तो ब्रॉक लेसनर जुलाई 22 एंड जुलाई 29 के स्मैकडाउन वर्क करने वाले हैं, जो होने वाला है स्मैकडाउन बिफोर समर स्लैम। पर एक बहुत अच्छी न्यूज है कि ब्रॉक लेसनर इन दो शोज के पहले भी एक शो वर्क करने वाले हैं। रेसलटिक्स के हिसाब से जुलाई 11 का जो रॉ है उसमें ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे ही ब्रॉक लेसनर का नाम एडवर्टाइज हुआ इस रॉ के लिए, वैसे ही टिकट सेल्स काफी जबरदस्त बढ़ गई है, क्योंकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और उससे ज्यादा एक्साइटेड है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी को भी। अब ब्रॉक एडवर्टाइज हो गए हैं जुलाई 11 वाले रॉ को, तो सीधी सी बात है कि हाई चांसेस है कि रोमन रेंस भी उस रॉ में हो सकते हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है जुलाई 11 वाले रॉ को। अब दोस्तों, हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है सांगा से। सौरव गुज्जर एके सांगा, उन्होंने काफी तहलका मचा दिया है एनएक्सटी में। पहले ये वीर महान के साथ टीम अप कर रहे थे एज इंडस शेयर, वीर महान का पहले नाम था रिंकू सिंह, और तभी भी इन्होंने काफी तबाही मचाई थी। पर अब दोस्तों, सांगा काफी डोमिनेटिंग फैशन में जीत रहे हैं एनएक्सटी में, और उन्होंने कपल ऑफ स्मैकडाउन में डार्क मैचेस भी किए हैं, और वो जीते भी है। तो WWE ऑफिशियल्स काफी खुश है सांगा से, और वो उन्हें लाना चाहते हैं स्मैकडाउन में। और दोस्तों, सांगा के साथ ही जायन क्वीन जो है उनसे भी काफी ज्यादा खुश है WWE, और वो ये समझते हैं कि जायन क्वीन जो है वो एक टोटल पैकेज है, मतलब इनके पास सब कुछ है, लुक्स, करिश्मा, फिजिक, माइक स्किल्स, सब कुछ। अभी पिछले NXT के एपिसोड में हमने देखा जायन क्वीन एंड सांगा के बीच में मैच हुई थी, ये मैच काफी जबरदस्त थी, और सांगा ने जायन क्वीन को हरा दिया था। तो दोस्तों, इन शॉर्ट कहे तो सांगा एंड जायन क्वीन से WWE काफी ज्यादा खुश है, और ये दोनों को काफी अच्छा पुश मिल सकता है दोस्तों स्मैकडाउन में। ये हमारे इंडिया के लिए भी काफी गर्व की बात है कि सांगा जो है उन्हें काफी अच्छा पुश मिल सकता है ऑन स्मैकडाउन। जस्ट इमेजिन, रॉ में वीर को अच्छा पुश मिल रहा है, स्मैकडाउन में सांगा को अच्छा पुश मिलेगा, एंड मे बी इन द फ्यूचर जिंदर एंड शैंकी को अगर अच्छा पुश मिला तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात होगी। तो अगर सांगा एंड जायन क्वीन को अच्छा खासा पुश मिलता रहा तो फिर इनका सामना हो सकता है एक ना एक दिन रोमन रेंस के साथ। जायन क्वीन की तो बात ही अलग है, बट अगर हम सांगा की बात करें तो सांगा एक हैवी वेट है, और वो तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं रोमन रेंस को। रोमन ने अब तक वीर से भी मैच नहीं किया है, तो अगर वो उससे पहले सांगा से मैच करते हैं या कन्फ्रंटेशन करते हैं तो काफी मजा आएगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, द पावरफुल सांगा और रोमन रेंस आमने सामने खड़े हैं, तो कितना ज्यादा वो इंटेंस कन्फ्रंटेशन होगा। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। क्या सांगा को अच्छा पुश मिलेगा ऑन स्मैकडाउन एंड इवन जायन क्वीन को भी, या फिर WWE वेस्ट कर देंगे उन्हें जस्ट लाइक अदर सुपरस्टार्स। बट मुझे लगता है कि इन दोनों को काफी अच्छा पुश मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के पास काफी अच्छा पोटेंशियल है टू बिकम द बिग स्टार्स, और एक ना एक दिन हमें इनका कन्फ्रंटेशन देखने मिल सकता है रोमन रेंस के साथ, अगर WWE उन्हें अच्छी तरीके से बुक किए तो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, आप कितने एक्साइटेड है ब्रॉक लेसनर को देखने के लिए ऑन जुलाई 11 रॉ। सेकंड, क्या आपको लगता है कि ब्रॉक एंड रोमन रेंस के बीच में हमें ब्रॉल देखने मिलेगी रॉ में। थर्ड, आप कितने एक्साइटेड है सांगा एंड जायन क्वीन को देखने के लिए ऑन स्मैकडाउन। एंड फोर्थ, अगर सांगा एंड रोमन रेंस के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है तो आपको क्या लगता है, क्या सांगा टफ कॉम्पिटिशन दे पाएंगे रोमन रेंस को या फिर नहीं।
So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.